नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल जिले में आप यदि आरओ का पानी पी रहे हैं तो सेहत को फायदे की बजाय नुकसान होगा। रासायनिक परीक्षण में यह बात सामने आई है कि यहाँ के भूजल में टीडीएस के साथ ही अन्य रासायनिक तत्वों की मात्रा सामान्य है, यानी आरओ की कोई जरूरत नहीं। लोग बेझिझक होकर इसे पी सकते हैं। असंध क्षेत्र के इक्का दुक्का गांवों को छोड़कर जिले के भूजल के हिसाब से आरओ जेब और सेहत दोनों के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि पानी में 100 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम टीडीएस होने से दिक्कत शुरू होती है। इसकी मात्रा यदि 2000 ppm से अधिक है तो आरओ का इस्तेमाल करें। आरओ पानी में टीडीएस की मात्रा को तेजी से कम करता है, इसीलिए सामान्य टीडीएस वाले पानी में आरओ लगाने का मतलब सेहत से सीधा खिलवाड़ है। करनाल जिले के पानी में टीडीएस की मात्रा करीब 500 ppm है। आरओ अच्छे व बुरे मिनरल्स में फर्क नहीं कर पाता और पानी से सभी मिनरल्स को निकाल देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर पीने वाले पानी में मिनरल्स कम हैं तो इसके कारण शरीर में उनकी कमी हो जाती है। ऐसे में हड्डियों में जमा मिनरल्स निकलकर उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भी कम मिनरल्स वाले जल में घुलकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके कारण हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, इससे हार्मोन्स का संतुलन भी बिगड़ सकता है। पानी में टीडीएस की मात्रा 500 से 2000 ppm के बीच सही है। कैल्शियम 75 से 200 ppm के बीच हो, मैग्नीशियम 80 से 100 और फ्लोराइड 1.0 से 1.5 व नाइट्रेट 45 ppm से अधिक हो तो शरीर को नुकसान करेगा। आपको यहां पर बता दें कि दक्षिणी हरियाणा के कई जिलों में खारा पानी है। इसका मुख्य कारण है कि पानी में फ्लोराइड और नमक की मात्रा अधिक होना है। मिली जानकारी के अनुसार इसका भी मुख्य कारण यह है कि जब बरसाती पानी धरती के अंदर जाता है तो धरती के अंदर उसे कई तत्व तय मानक से अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, जिस कारण पानी में खारापन आ जाता है। इसके अलावा यदि पानी में मौजूद लोह तत्वों की मात्रा भी अधिक हो जाए तो वह भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि हरियाणा के किसी भी जिले में पानी में लोह तत्वों की मात्रा अभी तक अधिक नहीं हो पाई है। यदि करनाल की बात की जाए तो यहाँ के पानी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अक्सर देखने और सुनने में यह भी आता है कि कई स्थानों पर पानी गंदा और बदबूदार आ रहा है। इसके लिए कई कारण हो सकते हैं, मसलन पानी के पाइप की लीकेज होना या फिर पानी के पाइप का सीवरेज के पानी के साथ मिक्स हो जाना। इसके लिए निगम और आम आदमी दोनों ही जिम्मेवार हैं। देखिए करनाल से तरुण मदान की एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इसे में देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि हर जगह ये स्लोगन लिखा जाता है कि जल है तो कल है, जल को बचाने के लिए हमें जतन करने चाहिए, जल हमारे जीवन का अनमोल रत्न है। और जल को लेकर जिस तरह से आजकल का वातावरण है, जिस तरह से आजकल का आधुनिक युग है, औद्योगिकरण का युग है, लोगों के मन में शंका रहती है कि उनके घर में आने वाला पानी साफ है या नहीं है। हालाँकि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि जनता के घरों तक जो भी पानी सप्लाई जाए वह साफ हो, बैक्टीरिया मुक्त होना चाहिए, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो कि जो पीने लायक पानी ना बने। इसके लिए हमारे करनाल में एक वाटर टेस्टिंग लैब, हमारे करनाल में नहीं, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में लैब है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के जो टेस्ट हुए जाते हैं उनकी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाती है। अब आज हमारे साथ हैं हमारे साथ रसायन वैज्ञानिक डॉक्टर अमित कुमार जी। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि किस तरह के पानी की क्वालिटी होनी चाहिए, पानी में क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर ऐसे कई से खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी होते हैं और कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं होती, उनके बगैर हम जी सकते हैं। लेकिन कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। पानी में कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनकी मात्रा अगर जो आवश्यकता से अधिक हो तो वह पानी मानव इस्तेमाल के योग्य नहीं रहता। मैं इन सब बातों के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा डॉक्टर अमित से। डॉक्टर अमित, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। धन्यवाद तरुण जी, आप सर यहाँ पर आपका भी स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जिस तरह से बताया जाता है कि जल है तो कल है, इस तरह के स्लोगन हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अखबारों में भी आता है, क्योंकि जिस तरह से अब जल का दोहन होता जा रहा है, धीरे धीरे वाटर लेवल जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है, पानी का घटता जल स्तर चिंता का विषय बनता जा रहा है, इस विषय में आप क्या करना चाहेंगे?
बिल्कुल तरुण भाई, ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारा, खासकर करनाल की भी अगर हम बात करें तो हमारा करनाल डार्क जोन में है, क्योंकि यहाँ का अंडरग्राउंड वाटर जो है वो क्वालिटी उसकी अच्छी है। तो जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर क्वालिटी अच्छी है वहाँ पे हम उसका एक्सट्रैक्शन ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। आप एग्रीकल्चर में भी वही यूज़ कर रहे हैं, आप हाउस होल्ड पर्पज़ में भी वही कर रहे हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी, मतलब हर चीज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इवन कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम मीठा पानी प्रयोग कर रहे हैं जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है। तो इतनी एक्सट्रैक्शन होने के कारण वो जो हमारा अंडरग्राउंड लेवल है वाटर का वो दिनों दिन गिरता जा रहा है, जिसके कारण हमारा करनाल ब्लॉक, करनाल डिस्ट्रिक्ट डार्क जोन में आ चुका है। डार्क जोन वो माना गया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से, जहाँ पे पानी जो है वो अलार्मिंग तरीके से नीचे गया है। सर, पानी के अंदर कई तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें से मुख्यतः कौन कौन से ऐसे होते हैं कि जो कि मानव शरीर के लिए आवश्यक माने जाते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आप आज यहाँ बैठे हैं, ये हमारी वाटर, स्टेट वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की। हमारी हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरीज हैं वाटर टेस्टिंग की, जो जो भी वाटर सप्लाई कंज्यूमरों को किया जाता है उसकी टेस्टिंग की जाती है। वहाँ पे नया ट्यूबवेल लगने से पहले भी की जाती है और बाद में भी रेगुलर उसकी टेस्टिंग चलती रहती है। दो तरह के टेस्ट हम करते हैं अपनी लेबोरेटरीज में, एक उसका केमिकल टेस्टिंग, उसमें कौन कौन से, जैसे आपने कहा कि खनिज कई प्रकार के होते हैं, उसकी टेस्टिंग की जाती है वो कौन कौन से हैं और कितनी मात्रा में हैं। उसके साथ उसकी एक बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है, जो कंज्यूमर एंड से सैंपल हम लेकर, किस जिसके आज जैसे आपके घर में कोई पानी जा रहा है तो उसका सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोई मिक्सिंग की वजह से कोई बैक्टीरिया तो नहीं आ गया। तो दो प्रकार की टेस्टिंग है हमारी हर लेबोरेटरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं वो की जाती हैं। उसके बाद हमारी जैसे करनाल की मैंने आपको बताया स्टेट लेवल लेबोरेटरी है, जो भी सैंपल हम टेस्ट करते हैं उसके पैरामीटर्स हम, हमारे विभाग की भी साइट है और भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, जो अब जल शक्ति मंत्रालय बन गया है, उनकी भी साइट है, उस पर वो सारे पैरामीटर हम अपलोड करते हैं। उसकी फिर सारी मॉनिटरिंग हम यहाँ करनाल स्टेट लेबोरेटरी में करते हैं कि कोई गलत एंट्री तो नहीं होगी, और उसमें कोई गलती खराब भी पाई जाती है तो हम जो हमारे डिपार्टमेंट का इंजीनियरिंग विंग है उनको तुरंत उसको सूचित कर दिया जाता है। सर, एक मानव इस्तेमाल के योग्य पानी के लिए में पानी में TDS की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सिर्फ TDS की बात नहीं करेंगे हम, हमारा जो पीने योग्य पानी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो हर इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं या कोई भी, और जैसे आप कोई मान लो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तो आपको उसके लिए भी एक कोड बनाते हैं वो, उसकी सेफ्टी के हिसाब से भाई उसके उसमें क्या क्या अगर हम टेस्ट करें तो उसके रिजल्ट ये आने चाहिए ताकि वो सेफ्टी आपकी उससे बनी रहे, उसी हिसाब से वो कोड उसका जारी करते हैं। ऐसे ही हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका BIS ने जो कोड जारी किया है वो IS 10500, जो लेटेस्ट उसका वर्जन है वो 2012 में रिवाइज किया गया था। उसमें जितने भी हम ड्रिंकिंग वाटर में पैरामीटर टेस्ट करते हैं उसकी लिमिट्स दी गई हैं भाई कितनी होनी चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा है तो आप कहाँ तक उसको जा सकते हैं, उसके बाद आपका पानी वो अनफिट माना जाता है। तो दो तरह से वो लिमिट फिक्स की है उन्होंने, एक डिज़ायरेबल लिमिट वो होती है कि आपके पानी में इतना होना चाहिए, और उसके बाद एक और लिमिट उन्होंने फिक्स की परमिसिबल। कब कहते हैं वो, जब आपके पास कोई दूसरा सोर्स ना हो, उसमें उन्होंने एक लाइन ऐड कर दिया परमिसिबल इन एब्सेंस ऑफ बेटर अल्टरनेट सोर्स। जैसे आप TDS की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम सारे पैरामीटर आपको दिखाऊंगा अभी मैं, हम क्या क्या टेस्ट करते हैं और कितनी लिमिट होनी चाहिए। TDS की अगर हम बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये कहता है कि डिज़ायरेबल आपके पानी में ड्रिंकिंग वाटर जो है वो 500 TDS मिलीग्राम पर लीटर आपके पानी में होना चाहिए डिज़ायरेबल, और परमिसिबल वो कहता है 2000 तक, यानी कि 2000 तक भी अगर आपके पानी में TDS है तो वो आपके सेहत पे कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं डालता, ऐसी कोई स्टडी नहीं आई कि वो आपका उसको आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए। 2000 के बाद वो कहते हैं कि पानी अनफिट है, लेकिन इसमें एक इनपुट ये है कि जैसे ही TDS 800-900 होना शुरू होता है पानी का, तो पानी में थोड़ा खारापन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पीने में वो अच्छा नहीं लगता और पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसका हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है।
ऐसे ही और कई प्रकार के मिनरल्स हैं जो हम पानी में टेस्ट करते हैं और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन, फ्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, इस तरह करके लगभग 50-60 पैरामीटर जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने दिए हैं जो आपको पानी में टेस्ट किए जाते हैं, और उसकी हर पैरामीटर की एक लिमिट फिक्स की है जिसके हिसाब से आप देखते हैं वो पानी पीने लायक है या नहीं। देखिए, इन्होंने हमें बताया कि अगर पीने लायक पानी के टेस्टिंग के 50 या 60 पैरामीटर्स हैं, 50 या 60 तरह के मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं जिनकी अलग अलग तरह से टेस्टिंग की जाती है। अगर हम TDS की बात करें तो 500 TDS सफिशेंट होता है, वो मानव इस्तेमाल के योग्य होता है 500 से लेकर 2000 तक। लेकिन जब पानी के अंदर TDS की मात्रा 800, 900 या 1000 तक आने तक लग जाती है तो उसके अंदर पानी का टेस्ट में खारापन आना शुरू हो जाता है। हालांकि वो सेहत पर कोई नुकसान नहीं लगता, लेकिन उसका टेस्ट खत्म होना लग जाता है। इस तरह से पानी में अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं जिनके अलग अलग तरह के पैरामीटर्स हैं और उनके परखने का। अमित जी, क्या कोई साधारण कोई भी कॉमन पर्सन है अगर उसने अपने पानी की जाँच करवानी हो तो क्या उसके लिए यहाँ पर वो आ सकता है या इसके लिए कोई और प्रावधान है? हाँ नहीं, वैसे तो जो करनाल की वाटर सप्लाई है अभी निगम के पास चली गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपना पानी टेस्ट करवाना चाहता है तो वो कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ी पेमेंट करनी पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है वो, उसके बाद ही वो अपना पानी टेस्ट करवा सकता है और करवाते भी हैं कई लोग। जैसे कोई कॉलोनी अलग प्राइवेट कॉलोनाइज़र हैं, उन्होंने अपनी अलग बनाई है, तो वो जब वाटर सप्लाई करते हैं तो उसके टेस्ट करवाते हैं पहले, तो वो करवा सकते हैं, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा करनाल शहर की हम बात करें तो यहाँ के टेस्टिंग हमने लगभग सभी ट्यूबों की हमने की हुई है। हमारे पानी की गुणवत्ता जो है पूरे इंडिया में मैं कहूँ तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे पानी की गुणवत्ता जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें TDS जो है 350 से ले कर 500-600 की रेंज में हमारा जो टेस्ट हम करते हैं वो इतना ही आता है, तो उसके हिसाब से वो पानी जो है पीने लायक है और उसकी गुणवत्ता, वो हमारे को मीठा पानी जिसको हम बोलते हैं वही करनाल का पानी है। देखिए, ये करनाल वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि यहाँ का पानी हिंदुस्तान में सबसे बेहतर माना गया है, क्योंकि यहाँ के ग्राउंड वाटर लेवल के अंदर जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसके अंदर TDS की मात्रा 350 से लेकर 500-600 तक रह जाती है, जिस कारण उस पानी के अंदर मिठास बरकरार है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो करनाल का पानी है कि वो हिंदुस्तान में सबसे बेहतर माना गया है, करनाल के पानी को सबसे स्वच्छ और मीठा पानी माना गया है। सर, अगर हम हरियाणा की बात करें तो साउथ हरियाणा का क्या स्टेटस है? साउथ हरियाणा से खबरें आती हैं कि वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है या मानव इस्तेमाल के योग्य नहीं है, वहाँ के लिए क्या मतलब ऐसा क्या बेसिक रीज़न है, क्या रीज़न है? बिल्कुल, हमारा हरियाणा जो है तरुण जी, लगभग 75% जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा वो क्वालिटी अफेक्टेड है। मेनली हमारे हरियाणा में प्रॉब्लम है एक फ्लोराइड की और एक सैलिनिटी की। सैलिनिटी यानी कि TDS उसका बहुत ज़्यादा है, पानी खारा है वो। साउथ हरियाणा में खासकर फ्लोराइड और सैलिनिटी TDS उसका पानी का ज़्यादा है, जिस कारण वो पीने लायक नहीं है। उसकी लिमिट्स जैसे मैंने आपको कोड बताया वो IS 10500, उससे भी लिमिट जो परमिसिबल लिमिट है उससे भी ज़्यादा उसमें वो चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पे सरकार क्या करती है कि आपको अंडरग्राउंड वाटर की बजाय जो कैनाल वाटर है, जो सरफेस वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसको ट्रीट करके वो पब्लिक तक पहुँचाती है। वहाँ पे जहाँ पानी खारा है वहाँ पे हम अंडरग्राउंड वाटर पब्लिक को नहीं देते, अगर देते भी हैं कुछ स्थानों पर तो वो सिर्फ वहाँ पर स्पेशल उनको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि पीने के लिए नहीं, आप डोमेस्टिक यूज़ में आप उसको यूज़ कीजिए, पीने के लिए फिर अलग से सप्लाई वो कनाल वाटर की कई जगह की जाती है। अब जैसे हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो असंध ब्लॉक हमारा ऐसा है जीन से टच किया हुआ है जिसने, वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खारा है। जैसे आप साउथ हरियाणा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ साउथ हरियाणा नहीं, हमारे नॉर्थ हरियाणा में भी असंध जो एरिया है वहाँ पर पानी खारा है जो अंडरग्राउंड वाटर है। तो वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ने और सरकार ने क्या किया है कि या तो ट्यूबवेलों को ज़्यादा डीप बोर किया है लगभग 1000 फुट पे, वहाँ का स्टेटा वो पानी ठीक है, या फिर असंध टाउन में हम जो है नहरी पानी को ट्रीट करके वो पब्लिक को सप्लाई करते हैं। देखिए, इन्होंने हमें बताया कि जहाँ पर भी खारा पानी है, जहाँ पर भी ग्राउंड वाटर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चला गया है, लोगों के मानव इस्तेमाल के योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है, वहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा एक व्यवस्था की गई है, वहाँ पर नहरी पानी को ट्रीट करके लोगों तक
पहुँचाया जा रहा है, उन्हें यह तो कहा जा रहा है कि वो उस वाटर को जो उनके घरों में आ रहा है, वो जो उनके घरों में आ रहा है उसको पी सकते हैं, लेकिन दूसरे पानी को डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं। सर, साउथ हरियाणा में ऐसे कौन से 3-4 या 5 जिले ऐसे होंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है? साउथ हरियाणा में जो महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, गुरुग्राम, भिवानी, वो सारे ज़िले जो हैं जो राजस्थान की बेल्ट से टच करते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो है लगभग सारा 100% वाटर क्वालिटी अफेक्टेड एरिया है जो अंडरग्राउंड वाटर की। इसका बेसिक रीज़न क्या हो सकता है, मतलब इतना खारा पानी क्यों है? रीज़न यही होता है तरुण जी के, जो अंडरग्राउंड वाटर है हमारा वो कहाँ से आया? बेसिकली वो जो रेन्स हैं हमारी, वो जब रेन होती है तो वो रिस के जो हजारों अरबों वर्षों से इकट्ठा होता रहा वही पानी है। तो उसमें क्या होता है कि जब इनिशियली रेन होती है तो वो पानी जो है उसमें TDS वगैरह कुछ नहीं होता, जब वो एटमॉस्फेयर में आता है तो उसमें कुछ गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं, जब वो ज़मीन पे गिरता है तो उसमें मिट्टी में से कुछ मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, फिर वो राम राम से जब रिस के नीचे जाना शुरू होता है तो नीचे आपको पता है कि रॉक्स हैं हमारी, तो वो रॉक्स क्या है, वो एरिया वाइज कहीं पर ऐसी रॉक्स हैं जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, कहीं ऐसी रॉक्स हैं जहाँ पे सॉल्ट सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो जैसे जैसे पानी वो उन चट्टानों के बीच में से रिस के नीचे जाता है तो वही पैरामीटर उसमें ज़्यादा घुलना शुरू हो जाता है, और इस कारण जो है वो जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो सोडियम या क्लोराइड या फ्लोराइड उसमें ज़्यादा घुल गया था वही हमारे को फिर ट्यूबवेल के थ्रू मिलता है, इसलिए वो पानी जो है वो खारा या दूसरे पैरामीटरों में फेल हो जाता है। सर देखिए, डॉक्टर अमित ने हमें इस विस्तार से यह जानकारी दी कि जो भी साउथ हरियाणा या जहाँ पर भी खारा पानी है वहाँ पर खारे पानी का बेसिक रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही बरसाती पानी ज़मीन के अंदर जाता है तो पानी के अंदर जो अति आवश्यक खनिज होने चाहिए वो उनकी मात्रा जोर से अधिक हो जाती है, कहीं पर फ्लोराइड और कहीं पर सोल्टी पानी हो जाता है जिस वजह से पानी खारा हो जाता है। ये बेसिक रीज़न है कि पानी के खारे होने का बेसिक रीज़न ये है कि फ्लोराइड और सैलिनिटी यानी कि नमक की मात्रा, जिससे खारापन उसके अंदर बढ़ जाता है। सर, ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक आपके पास उपलब्ध है कि हाँ अभी पिछले कुछ दिनों का या पिछले कुछ महीनों का, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन क्षेत्रों का पानी जो है वो मानव इस्तेमाल के योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है, या यहाँ पर जो आपको सैंपल्स जो आप मॉनिटरिंग करते हैं उससे आपको अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ नहीं, हमारे पास तो रेगुलर सैंपल्स आते रहते हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह की टेस्टिंग होती है, केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल। तो केमिकल तो हम साल में एक या दो बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप मानसून से पहले और मानसून के बाद उसकी टेस्टिंग करें, उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि जो हमारे ट्यूबवेल हैं वो पहले से ही टेस्ट किए होते हैं। हाँ, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग में कई सैंपल्स जो हैं जैसे गाँव से भी आते हैं हमारे पास, शहरों से भी आते हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि मिक्सिंग की वजह से कहीं सैंपल जो है वो फेल आ सकता है, तो वो जो सैंपल फेल आता है तो उसका कारण ये होता है कि उसमें कहीं ना कहीं गंदा पानी मिक्स हो गया है। कई बार कंज्यूमर की गलती भी होती है, कई बार दूसरी गलती के कारण भी नाली का पानी या नाले का पानी जब अच्छे पानी में मिक्स हो जाए तो उसकी वजह से वो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, वो सैंपल्स हमारे फेल आते हैं। तो बाकी ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन ऐसी कहीं नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जिस एरिए में पानी अंडरग्राउंड वाटर ख़राब है वहाँ पे हम नहरी पानी ट्रीट करके दे ही रहे हैं, उसमें विशेष सावधानी ये बरती जाती है कि उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो, क्योंकि नहरी पानी में बैक्टीरिया पहले से ही ज़्यादा होता है क्योंकि वो ओपन बॉडी है, तो वहाँ पे क्लोरीनेशन वगैरह सारा सिस्टम जो है हमारा चाक चौबंद रहता है विभाग की तरफ से। तो ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि पानी में कोई इस तरह आ रहा है कि हम एकदम से घबरा जाएं कि हमारे कोई ज़्यादा बीमारी फैल जाएगी। हमारे पास लगभग सारे हरियाणा से हैवी मेटल्स के लिए टेस्टिंग के लिए वो हमारे पास ही आते हैं, क्योंकि उसकी सुविधा हमारी स्टेट लैब में ही है टेस्टिंग की। तो हैवी मेटल्स भी हम टेस्ट करते हैं, जैसे आर्सेनिक है, क्रोमियम है, लेड है। हैवी मेटल्स वो होते हैं जिनको पीने से अगर वो आपके पानी में आ जाएँ उनको पीने से आपको कैंसर हो सकता है। तो अभी तक ऐसा भी कोई हमारे को हरियाणा में ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला है जिसमें हैवी मेटल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। हाँ, पंजाब का एरिया है जैसे, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो पंजाब में हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कुछ एरिया ऐसा है भी वहाँ पे जहाँ पे कैंसर बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है,
हरियाणा में अभी तक पानी की वजह से कैंसर का कोई कारण मुझे आज तक नज़र नहीं आया। ये आपको मैं बता दूंगी, करनाल के साथ साथ हरियाणा के लिए ही राहत भरी खबर है, क्योंकि पानी के अंदर कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जिनकी जांच यहाँ पर करनाल की स्टेट लैब में की जाती है। लेकिन डॉक्टर अमित का कहना है कि अभी तक फिलहाल ऐसी कहीं से रिपोर्ट नहीं है कि कहीं के पानी के सैंपल्स में हैवी मेटल्स की ज़्यादा मात्रा मिली हो, जिस क्योंकि हैवी मेटल्स अगर हैं तो बॉडी में कैंसर का खतरा है। इन्होंने यह भी जानकारी दी कि पंजाब में इंडस्ट्रीज अधिक होने के कारण वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में पानी में हैवी मेटल्स की मात्रा अधिक पाई गई है, जिस कारण वहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियाँ पनपने लगी हैं। लेकिन फिलहाल हरियाणा के लिए राहत भरी खबर यह है कि पूरे हरियाणा में कहीं पर भी ऐसा पानी का सैंपल, ऐसा कोई भी सैंपल नहीं सामने आया है कि जिसके अंदर हैवी मेटल्स की मात्रा ज़्यादा हो और वो मानव शरीर के लिए खतरनाक हो। सर, अब मेरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि इस समय, आज के मौजूदा समय में, आरओ या मिनरल वाटर को लेकर लोगों की एक स्ट्रैटेजी बन गई है। लोग टैप का पानी पीने से परहेज करते हैं, लोगों ने आरओ लगवा लिए। जिस तरह से आपने हमें जानकारी दी भी करनाल का पानी बहुत अच्छा है, करनाल का पानी हिंदुस्तान में सबसे मीठा पानी माना जाता है, तो सर आपको क्या लगता है करनाल जो आरओ लगाया जा रहा है ये मतलब ये देखा दिखाई है या इसकी हमें आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल, ये एक बिल्कुल ही जायज प्रश्न है इस समय के हिसाब से, और आजकल एक ज्वलंत मुद्दा भी बना हुआ है। मैं तरुण जी इस बारे में ये मानता हूँ कि जो गवर्नमेंट सप्लाईज़ के वाटर हैं उसके बारे में कुछ तो चलो हमारी भी कमियाँ हो सकती हैं, विभागों की भी, कि भाई कभी कभी कबार गंदा पानी आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें मैं कारण मानता हूँ इसके प्रति लोगों का अविश्वास का, वो है टीवी पे आने वाली एड्स जो आरओ कंपनियाँ करती हैं, जो मिनरल वाटर की कंपनियाँ भी करती हैं। वो हमेशा यही बताती हैं कि अगर आप दूसरा पानी पिएंगे हमारे आरओ के सिवा या हमारे मिनरल वाटर के सिवा, हमारे पैकेज वाटर के सिवा, तो आप बीमार हो जाएंगे। आपने भी ऐड देखी होंगी ऐसी, तो उस वो एड्स देख देख के प्रति हमारे जो सरकारी सप्लाई का पानी है उसके प्रति लोगों में नकारात्मकता भर चुकी है। कई बार आ जाता है गंदा पानी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही गंदा पानी आता है। तो जैसे आपने कहा कि आरओ की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि हम ये सोचने लगे हैं कि अगर हम सरकारी पानी पियेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, हमारी डेथ तक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, सरकारी पानी हमेशा ख़राब हो ये नहीं है, आरओ का पानी हमेशा अच्छा हो ये भी गलत, बिल्कुल गलत धारणा है ये। जैसा मैंने आपको बताया आरओ कंपनीज़ क्या हैं कि आपको TDS के बेस पे आपको आरओ लगाती हैं कि आपके TDS पानी में जो है वो इतना है जिसके कारण आपका पानी ये ख़राब है। उसके लिए वो एक ऐसा टेस्ट करके दिखाते हैं जो सिर्फ ये बताता है कि आपके पानी में मिनरल्स हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने उसको गुणवत्ता से जोड़ दिया है। मान लो आपके पानी में 200 या 250 TDS है तो वो पहले ही से ही बहुत कम है, 200-250, क्योंकि मैंने आपको बताया 500 डिज़ायरेबल है कोड के हिसाब से। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस 200-300 पे भी आरओ कंपनियों के बहकावे में आके हम आरओ लगा लेते हैं। अब आरओ का क्या काम है कि वो आपको 90%, वो तो एक मशीन है, उसको नहीं पता आपकी बॉडी को क्या चाहिए, कौन सा मिनरल आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा ख़तरनाक है, वो तो सारे मिनरल के साथ एक तरह का बिहेव करता है। तो वो क्या करेगा कि 90% जो TDS है, मान लो आप 200 TDS पे आरओ लगा लिया, तो रिमूव करके सिर्फ 20 TDS का आपको पानी देगा, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर की तरह, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता। उसके आपको आप लॉन्ग रन में आप उस पानी को पिएंगे तो आपकी बॉडी को वो नुकसान करता है। उसका नुकसान क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी को कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फ्लोराइड, हर चीज़ की ज़रूरत है जो पानी के थ्रू हमारे को मिल रहा है, और सिर्फ पानी के थ्रू नहीं, हमारे को खाने के थ्रू भी वो मिलता है। लेकिन जब हम आरओ का प्रयोग करते हैं तो वो पानी वाला जो हिस्सा है वो उसका हम समाप्त कर देते हैं। चलिए यहाँ तक भी ठीक है भाई, आपको आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आपको वो कैल्शियम के पाउच दे देंगे या आपको गोलियाँ खाने को दे देंगे, मल्टीविटामिन्स आपको दे देंगे, उससे आपकी कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन जो लेटेस्ट स्टडीज़ बताती हैं इसका और बड़ा नुकसान क्या है आरओ का, और ये सिर्फ मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी WHO की भी स्टडीज़ हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जब पानी में TDS बहुत कम हो जाता है, 10-20-30-40 हो जाता है, तो वो क्या करता है कि पानी जो है हर चीज़ को अपने अंदर घोलने की कोशिश करता है। तो जब आप उसको लगातार पानी उसी को पानी को पीते रहते हैं तो आपकी बॉडी में पहले से ही भी मिनरल्स हैं, आपकी हड्डियों में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है,
आपकी बॉडी में क्लोराइड है, हर प्रकार के मिनरल हमारी बॉडी में भी हैं। तो वो पानी क्या करता है, वो क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं है तो वो हमारे शरीर के मिनरल्स घोल के ही आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू वो बाहर निकाल देता है। तो एक तो आपको उससे मिनरल मिल नहीं रहे, उसके बाद वो जो मिनरल आपकी बॉडी के हैं उसको भी लीच आउट कर रहा है। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी बहुत, अगर आप TDS कम का पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या होता है, RO मेम्ब्रेन्स प्लास्टिक की बनी होती हैं, तो जब प्रेशर से हम उस पर पानी डालते हैं मेम्ब्रेन्स पे, तो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, ये भी स्टडी आ चुकी हैं कि RO वाटर में या बॉटल्ड वाटर में आपको प्लास्टिक के कण मिले हैं, तो वो छोटे छोटे कण प्लास्टिक के आपके ड्रिंकिंग वाटर में आ जाते हैं। तो जब आप उसको लगातार पीते रहते हैं तो प्लास्टिक के कण हमारी बॉडी में जाने से हमारे को वो कार्सियोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर, उससे भी कैंसर हो सकता है। TDS अगर आपका 500 तक भी है, 600 तक भी है, तो आपको RO की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल UV फिल्टर लगा सकते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को और सस्पेंडेड मैटर, अगर कोई जैसे आप कहते हैं भी गंदा पानी आ रहा है, उस मैटर को वो दूर कर देता है और उसका TDS नहीं कम करता। हाँ, अगर आपके पानी में, जैसे आपने क्वेश्चन किया था कि असंध है या साउथ हरियाणा जहाँ पे खारा पानी है, वहाँ के लिए RO से अच्छी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि RO को आप बिल्कुल फेल कर देंगे, RO बेस्ड है आपके वाटर की क्वालिटी पे। अगर आपके TDS बहुत ज़्यादा है तो RO से अच्छी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, आपका TDS 400-500 है तो RO आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये ज़रूर आप देख लें कि आपका जो TDS है करनाल का, जैसे मैंने बताया कहीं भी 400-500-600 से ज़्यादा TDS हमने नहीं देखा अभी तक, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से RO की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक अंधी दौड़ हम लगा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी घर लगा है तो मेरे घर भी लगना चाहिए, बाकी क्वालिटी के हिसाब से आप अगर लगवाना ही है आपने आप करनाल के पानी पे UV फिल्टर या कैंडल फिल्टर जो हमारे आते थे वो लगा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी हुड्डा के सेक्टर में ही रहता हूँ, हुड्डा की सप्लाई हमारे डिपार्टमेंट से अलग होती है, उनका अलग विभाग है, तो मेरे घर में कोई सिंपल एक कोई फिल्टर कोई नहीं लगा हुआ, ना UV ना RO, सिंपल जो टैप से वाटर आ रहा है वही हम, मेरे बच्चे भी और मैं भी वही प्रयोग करते हैं। क्योंकि इससे RO पानी पीने से और बॉटल्ड वाटर ज़्यादा पीने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो ख़राब होती है। ये थे डॉक्टर अमित कुमार। अब मैं आपको बता दूं दोबारा से कि इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी करनाल के पानी, करनाल के लोगों के लिए या करनाल में RO की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि RO के अंदर जो है RO अपने साथ साथ जो बॉडी के जो मिनरल्स हैं उनको भी लीच आउट कर लेता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी मिनरल्स होते हैं वो भी कम हो जाते, जैसे कि कैल्शियम, पोटाशियम, इन चीज़ों को वो अपने अंदर घोल लेता है जो कि हमारे लिए बीमारी का कारण बन सकते हैं। इनका साथ साथ ये भी कहना है कि हाँ, वो इलाके जहाँ पर TDS की मात्रा आवश्यकता से अधिक है वहाँ पर RO से जैसी अच्छी सुविधा कहीं नहीं है, लेकिन करनाल में RO की ज़रूरत नहीं है। अगर करनाल के लोग RO को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंधी दौड़ की तरफ भाग रहे हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।